आईसीएसई टेट 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़िए। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड ए बी इज टेंजेंट एट बी, ए बी जो है ना टेंजेंट है बी के ऊपर लाइन। इफ ए बी 15 सेंटीमीटर, ए बी क्या है बताइए 15 सेंटीमीटर, ए सी 7.5, ए सी क्या है 7.5, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का ये ना सर्कल, सर्कल का हमको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है रेडियस। तो क्या किए ना हम ए डी सी को एक्स मान लिए, डी सी को क्या मान लिए डायमीटर को हम एक्स मान लिए, और रेडियस अगर निकालना है तो जो भी एक्स आएगा ना उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, पूरा को हम एक्स मान लिए, अगर आधा निकालना है तो जो भी एक्स आएगा हाफ करके हम रेडियस बता देंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम बना कर दिखाते हैं आप लोगों को, और ये जो ए सी है अब इसको समझिए, यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देख लीजिए, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था उस समझ लीजिएगा फॉर्मूला का, है ना, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, ये फॉर्मूला होता है, क्या ये क्वेश्चन हम लोग का आया था सर, क्या जब टेंजेंट टच करता है तो उसका स्क्वायर करेंगे ना तो ए सी और ए डी के प्रोडक्ट के साथ इक्वल आएगा, ये हम फॉर्मूला लिखा है। हाँ देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है बताइए तो 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर लिख दिए इक्वल टू ए सी, ए सी कितना है 7.5 है ना, 7.5 लिख दिए, ए डी कितना है 7.5 प्लस x लिखा हुआ था, x लिख दिए, बहुत सिंपल है। 15 का स्क्वायर क्या आता है 225 आता है, इक्वल टू इसको इसको इंटू कर देते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा 7.5 तो इंटू भी कर देते हैं, देख लीजिए 7.5 इंटू कर देते हैं, कितना आ गया बताइए 5.625 दो के बाद पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, लिख दिए ना प्लस, इसको करेंगे तो कितना आएगा 7.5x, अब देखिए क्या करेंगे, ये इसको इस साइड कर देते हैं हम लोग 225 माइनस 56.25 इक्वल टू कितना आ गया बताइए 7.5x, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दिया हम लोग माइनस, देखिए कैसे माइनस करेंगे 225.00 क्या 56 है ना, तो 56 पॉइंट, पॉइंट के बाद 25 है तो पॉइंट के बाद 25 लिखिए, माइनस कर देते हैं हम लोग, 5 आया फिर 7 आया फिर कितना आया 4 और 4 8 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा ये ना 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है, तो 1 लिख दिए हम लोग, कितना आ गया बताइए 1.68.75 भाई, ये हाथ नीचे आ जाएगा ना 7.5 इक्वल टू क्या आएगा बताइए, एक इक्वल टू नीचे आ गया था, पॉइंट हटा ना तो नीचे क्या होगा दिखेगा 1 और 2 है तो 2 जीरो लिख दिए, ठीक ना, इनटू 10 पॉइंट हटा तो पर क्या आ गया बोले तो 10 हो गया ना, सब पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, पॉइंट आए नीचे उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो, और उसके बाद देखिए कैलकुलेटर निकाल दीजिए x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या होगा हम लोग के साथ, x इक्वल टू क्या होगा 16875 बाई क्या बचा बताइए 16 75 इनटू 10 ये होता है हमारा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते, देखिए 5 2 जा 10 5 3 जा 15 7 7 से 35 35 5 5 से 25 हां,
फिर से 5 से कट कर लेते हैं, 5 बन जाए 5 और 5 5 जाए 25 है ना, ये क्या है 5 6 जाए 30, 5 7 जाए 35, 5 5 जाए 25, फिर से कट लेते हैं 5 6 जाए 15, 5 बन जाए 5, 5 6 जाए 15, 5 5 जाए 25, ठीक है, फिर से कट 3 बन जाए 3, 2.5 मतलब कितना हो गया 11.25, ये क्या था सेंटीमीटर ना, ये क्या है बताइए तो सेंटीमीटर। इस तरह से क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, है ना, क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया।